सोच रही थी शायद कि बीच सीजन के बाद एलिमिनेट हो जाएगी. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड. व्हाट वेंट रॉन्ग इन नाउ? व्हाट वेंट रॉन्ग? या फिनाले नहीं जीत पाई, ट्रॉफी नहीं जीत पाई. एनीथिंग वेंट रॉन्ग? आपको क्या लगता है कि फिनाले क्यों नहीं जीत पाई? नथिंग वेंट रॉन्ग, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आई थिंक आई जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन विद मिस्टर सलमान खान एंड he was just telling me and Shilpa, is she here? No, she's not here. So he was telling us ki ek Big Boss show jo hai uski bhi ek following hoti hai har saal. Like if you see me, I am a Big Boss fan and I watch Big Boss every season. To main as a viewer agar main Big Boss show dekhti hu to har season mere contestants badalte hain, change hote hain aur un 18 या 14 contestants में से एक contestant मेरा favorite हो जाता है. तो हम उतने बड़े नहीं हैं जितना बड़ा ये शो है और इस शो की एक व्यूअरशिप है और उस हिसाब से अगर कुछ व्यूअर्स को एक कंटेस्टेंट ज्यादा अच्छा लग गया और उसको जिता दिया, डजंट मीन मैं कम हूँ या फिर बाकी लोग जिन्होंने किया है वो कम है. सबने अपना अपना बराबर दिया है और जैसे कि सलमान ने अभी हम दोनों से बात करके ये कहा कि कुछ थाउजेंड्स का फर्क है. सो That's not a big deal. I believe हम जो टॉप फोर थे, चाहे वो विकास हो जिन्होंने इतना अच्छा खेला है इस शो में, हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, but he was always the competition. और हम जो टॉप फोर कंटेस्टेंट्स थे, we all are winners. दो हफ्ते पहले सलमान ने बोल दिया था कि आपका गेम खत्म हो गया, अभी सब वोट्स पे रहे. देखा गया कि आप कहीं ना कहीं मान चुके थे कि शिल्पा विनर है और आप अपने आप को मतलब नहीं. आई थिंक ये जो कॉन्वर्सेशन आप बोल रहे हैं ये विकास और मेरे बीच हुई थी. एक बीच में ऐसी स्टेज आई थी जहाँ पर हमको ऐसा लगा, लेकिन बाद में हमने रियलाइज किया फाइनली आउट इन पब्लिक. ओके है ना, शिल्पा को लेके बहुत कुछ कहा गया कि वो टास्क नहीं करती है, वो किचन में रहती है, उसके बावजूद भी शी इज अ विनर. क्या वजह मानती है? अपेरेंटली शायद उनका वल्नरेबल साइड या फिर जिस तरह से उन्होंने खेला, इसका मतलब ये नहीं है, मैंने ये चीज पहले भी कही कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे ने कम क्या मैं बोलूं किया, कम किया है शो में, चाहे वो बाकी कंटेस्टेंट्स हो, लेकिन कोई एक चीज उनकी शायद ज्यादा अच्छी लग गई या फिर जैसे कि मैंने कहा उन्होंने अपने तरीके से खेला, मैंने अपने तरीके से खेला, विकास ने अपने तरीके से खेला, हर किसी ने अपने तरीके से खेला. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वर्ड्स. ओके थोड़ी आप जीतने की बात कर रहे हैं तो मैं एक ही चीज कहूंगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू वर्ड्स. ओके थोड़ी देर पहले आशीष से हमारी बात हुई, आशीष सेड कि हीरा डजंट डिजर्व टू विन, दिस इज व्हाट शी सेड. वेल इफ शी फील्स सो, व्हाट्स योर टेक ऑन? अब अगर उनको लगता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ में. आई एम गुड फ्रेंड्स विद आशीष, शी इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन और वो बहुत अच्छी है दिल की. लेट मी टेल यू दिस, वो दिल की बहुत बहुत अच्छी. अर्शी ये कर दो ओके, अर्शी वो कर दो ओके, अर्शी खाना बना दो ओके, शी इज सच अ नाइस पर्सन. सो ठीक है अगर उनका टेक है ऐसा तो कोई बात नहीं. फ्रेंड्स, व्हाट इज योर इक्वेशन विद शिल्पा नाउ? वेरी गुड, डिड यू सी हाउ वी वर ऑन स्टेज? दो ही जन रह गए थे यार, कितना लड़ेंगे कितना लड़ेंगे. वी अभी भी पार्टी में भी वेरी कूल एंड आई वॉज chatting with her brother, so auntie was very nice to me and all, so it's all cool. Yeah baba, winning and losing is not important. Aapne game kis tarah se khela hai, aaj aap top 2 mein hain, main aap sa itne sare logon ke sath baat kar rahi hu, aap mujhse sawal pooch rahe hain, ye important hai ki main kahan pahunchi hu is show, 15 hafte kaise guzare hain aur kahan hu aaj, ye zyada important hai. Izzat kamana is show mein zyada important hai jeetne se. So I think that's all I have to say. वो बात खास बात बताइए कि जितने लोग आपसे लड़े फिर सब आपके आगे झुक गए, वो क्या खास था? सबने आपसे लड़ाई लड़ी फिर वो सब इमोशनली जज्बाती तौर पर जुड़ गए चल पाए, चाहे वो आकाश हो चाहे वो अर्शी हो. अच्छाई की बुराई पे जीत. या एक्चुअली सच में माई ऑनेस्टी, आई थिंक मैं सच में अगर जो भी चीज़ कर रही थी, जैसे मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूँगी, माँ वर्ड भी मुझे बोला तो मैंने उस माँ वर्ड का पूरा रिस्पेक्ट रखा कि माफ़ कर देना चाहिए, एक्सपेक्टेशन कुछ रखनी नहीं चाहिए. तो जो भी चीज़ें हुई मैंने कभी मीन नहीं बनी हूँ, मतलब ही नहीं बनी थी. मैंने हर चीज़ में गिव अप किया तो मुझे गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि देवी बन रही है, लेकिन मैं दिल से चाहती थी, मैं दिल से सोचती थी कि ये चीज़ें हो और छोड़ दो उन चीज़ों को लेके बैठने में, क्योंकि मैं जिस दौर से बाहर गुजरी हूँ तो वो मेरे लिए एक
बहुत फ़ायदा हुआ उन सब चीज़ों का बाहर अंदर, मुझे घर के अंदर मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। Okay, Shilpa, I've seen you, you know, tough time also. You have done a PC during RBC controversy and all that. बहुत कुछ हुआ और उसके बाद आप यहाँ, और सबको बता दिया आपने कि जी दिस इज व्हाट शिल्पा शिंदे इज। और कहीं जब मैं हिना की बात करता हूँ तो क्या आपको लगता है कि हिना की नेगेटिव सोच उनको ना जिता पाई और वो नेगेटिव ही रही? और आर शी इम्प्रूविंग द कोर्स ऑफ टू शी सेड कि पूरे शो के दौरान वो एक्टिंग करती थी। हर्षी ने बहुत सही पकड़ा है कि सच बोली है बात, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो वही उसने सच बोला, क्योंकि शो के अंदर मुझे कोई साथ नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पर अगर उन्होंने सच्चाई बोली है तो वी रियली अप्रिशिएट दोज थिंग्स। क्योंकि हिना का था बहुत नेगेटिविटी थी, हर चीज़ में उसको लुक्स निकालना है, हर चीज़ में निकालना है, कोई चीज़ उसको अच्छी कभी दिखती नहीं थी। जैसे जो चला गया उसके बारे में अच्छा बोलती थी, वो जो है उसके बारे में उसने कभी अच्छा नहीं बोला। अभी सलमान बहुत बायस रहे हैं, ये भी हिना का आरोप था, उस बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि उसके बारे में कभी अच्छा उसने चीज़ें अच्छी की ही नहीं जो उसके बारे में बोले, उसको हमेशा जो उसने बातें की है उसी के बारे में टोका है। जैसे पुनीश और बंदगी को लेकर बात है, पुनीश और बंदगी को लेकर बात है, या बॉडी शेमिंग की बात है, हर चीज़ उसने की है और उसकी उसके ऊपर डांट मिली है उसको। ओके, इसके बाद विकास के साथ आप शो करने जा रही हैं, और आपको लगता नहीं कि पहले चीज़ें शायद आप थोड़ी नादानी रही कि चीज़ें समझ नहीं पाए, आपके मन मुटाव हुआ और आप शो करने जा रहे हैं, उसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नादानी थी या मन मुटाव था, चीज़ें उस तरीके से हुई थी और वो चलती रही। लेकिन हम एक घर में है, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना चाहिए, शायद वही एक मौका था। और शो करना मतलब एक टास्क था, उसमें प्रॉमिस लिया गया था, तो उस प्रॉमिस को मैं करूँगी। छोटा सा वेब सीरीज़ उसको करना है तो मैं करूँगी डेफिनेटली। ओके, इसके अलावा आपने ये भी कहीं जिक्र किया कि यू वांट टू होस्ट मराठी बिग बॉस, आई वुड लव टू डू दैट। सलमान खान जी का उनकी जगह तो नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मराठी हूँ तो डेफिनेटली करना चाहूँगी। जैसे मेरा आपने देखा, मेरा वही हर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मराठी भी इतनी कोई अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन करना चाहूँगी, करना पसंद करूँगी पक्का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा पॉपुलर हूँ, तो मैंने सोचा शायद हो सकता है। लेकिन हाँ, बड़ा अफसोस था, मैंने पहले भी आप लोगों से बोला है कि मैं अपने आप को 15वें हफ्ते में देखना चाहती थी और बिल्कुल फिनाले में जाना चाहती थी। और हाँ, ये सही बात है, क्योंकि ज़्यादातर अर्शी और शिल्पा का रिश्ता जब मैंने बाहर आकर देखा है, तो ये देखा कि मेरी आवाम को ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद था और लोग साथ में देखना ज़्यादा पसंद करते थे, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता किसी लोगों की वजह से ख़राब हुआ और उसका हर जाना मुझे भुगतना पड़ा और उसकी वजह से मेरा एविक्शन हुआ। लेकिन हाँ, शिल्पा और अर्शी का रिश्ता खुद से नहीं ख़राब हुआ था, उस घर के लोगों ने ख़राब किया। मैं इतना खुश हूँ शिल्पा के जीतने से कि जैसे मैं खुद जीत गया, मैं इतना खुश हूँ। मैं चाहता था शिल्पा जीते, वो बहुत डिजर्विंग है, उसे जीतना ही चाहिए था। शिल्पा के मुकाबले कम है, बट डेफिनेटली शिल्पा ज़्यादा। शिल्पा में बहुत पेशेंस है, शिल्पा बहुत समझदार सुलझी हुई इंसान है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत उनके ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी कोई सेलिब्रिटी टैंट्रम्स नहीं है उनके अंदर, बहुत ही सुलझी हुई इंसान। जी तीन धुरंधर और एक बंदर। नहीं, मैं अपने आप को भी कहीं ना कहीं विनर देखता हूँ। सारे कॉमनर्स को पीछे छोड़ के मैं लास्ट स्टैंडिंग कॉमनर था वहाँ पे। इन लोगों से जीतना बहुत मुश्किल था। शिल्पा के पास 15 साल का फ़ैन बेस है, हिना के पास 8-10 साल का फ़ैन बेस है, विकास भी अपने आप में अच्छे सेलिब्रिटी हैं,
तो डेफिनेटली मैंने जो कमाया है वो इन 3 महीनों में ही बिग बॉस में कमाया है। तो अगर आई थिंक यहाँ तक आ गया हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं शो जीत चुका हूँ अपने हिसाब से। ओके, बंदगी भी मौजूद थी क्या, कैसा एक्सपीरियंस रहा उन्हें ऑडियंस में बैठे देखना और इस तरफ स्टेज पे आपका होना? वो तो वही बता पाएंगी कैसा एक्सपीरियंस था उनके लिए, मेरी मैं तो अलग ही जोन में था, मैं तो यही सोच रहा था कि बस अब मैं जीतने वाला हूँ। पर इस बार बिग बॉस ने वो बैग भी नहीं दिया, नहीं तो लेके भाग जाता मैं। मुझे करना है, मेरा शौक है ये बचपन से। कोई मुझसे पूछता था बचपन में कि आप क्या बनोगे, तो मैं 7th-8th standard तक यही जवाब देता था कि मुझे गुंडा बनना है। पता नहीं क्या अजीब सा शौक था पर था। पर थोड़े टाइम बाद जब थोड़ी समझदारी आई तो ऐसा नहीं हुआ, तो डेफिनेटली रियल लाइफ में नहीं बन पाया तो मूवी में तो बनना ही। संजय दत्त, संजू बाबा माई फेवरेट, एंड सलमान भाई। संजू बाबा इज माई फेवरेट। खलनायक। चाफी मेरे ले लिया, चाफी मेरे ले लिया। अरे यार मैं यही कह रही थी, मगर काम फंसा दिया तुमने मेरे को। तेरे पल 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 याद सपना बोला कोई बीच में इतनी खूबसूरत है, मेरी शक्ल ही नहीं है मेरी को यार। इसको रख देगा बीच में, सपना को रखे बीच में। मैनू पल 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 याद तेरी सतावे दे, तेरा रे तेरा रे 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 तेरा रे। चालू करें, लेट्स डू इट, स्टार्ट चालू करें। ए ये कौन है यार, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट, चलो लेट्स स्टार्ट। आकाश आप आउट हैं। देखो पुनीश मेरा भाई है तो ऑब्वियसली मैं पुनीश को चाहता हूँ, बट मेरे को लगता है मास्टरमाइंड विकास गुप्ता भी ये जीत सकता है शो। अरे उनके पाँव छूऊंगा, बोलूंगा थैंक यू माता जी जीतने के लिए, ट्रॉफी मुझे दे देना। ट्रॉफी चाहिए, पैसे नहीं? अरे पैसे तो हम बनाते ही रहेंगे। पैसे तो बना लेंगे, ट्रॉफी अच्छी लगती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अफसोस की कौन सी बात है, हम जितने भी बाहर निकले हैं हम अपने आप को सिर्फ जीता हुआ ही महसूस करते हैं, यहाँ जाना ही हमारे लिए जीत है और जीतना हारना लाइफ में कभी मैटर नहीं करता। वो एक रियलिटी शो है तो रियल मैंने अपने आप को दिखाया, उसमें मैं बहुत सिंपल हूँ। भिंजे कुछ एक करेक्टर है जो आप 24 घंटे नहीं रख सकते, लाइक आकाश। नहीं नहीं 24 रख सकते, ये सेल्फी में जी ले जी जाओ सुबह रात और शाम में। अच्छा किसी को बाहर आके मुझे लगा कि ज़्यादा फ्रेंडशिप में नहीं पढ़ना चाहिए था मुझे और अपना अलग खेलना चाहिए था और लोगों को मेरा अपना यूज़ नहीं करने देना चाहिए था, जो मैंने करने दिया क्योंकि मैं बहुत ओपन हूँ, मैं ठीक है चल रहा है ठीक है, और सिंपलिसिटी कहीं ना कहीं मेरे को बाहर ले आई जैसे लगा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आकाश, ए आकाश था। क्या पका रहे हो ब्रो,
मैं 50 क्वेश्चंस के लिए ले आया था ब्रो, 50 क्वेश्चंस क्योंकि इसको रख लो, 50 में से एक का जवाब दे दो कौन जीतेगा। देखो मैंने आपको बोला, मैंने आपको ऑलरेडी बोला मेरा दोस्त पुनीत जीत सकता है, पर मे भी मास्टर माइंड मास्टर स्ट्रोक से भी जीत सकता है, हु नोस, या शिल्पा शिंदे या हिना खान, सो दैट्स अबाउट इट। शिल्पा जीतेगी। ओके थैंक यू। लगेगा अभी नहीं बता सकती, लेकिन इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, स्पेशली जो एक्सपीरियंस इन्होंने मुझे दिया है वो बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। इस घर में एक हफ्ता जो भी रहेगा मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ वो इतना बोल्ड हो जाएगा, अपने आप को इतना समझ लेगा कि वो समझ जाएगा कि एक्चुअली मैं क्या हूँ, क्योंकि जो अकेलापन आपको वहाँ मिलता है ना हर चीज़ से अलग, वो मुझे एक और चीज ऐड करने का है, ये शो और ये प्लेटफॉर्म बहुत परफेक्ट है किसके लिए भी, सलमान भाई नंबर वन होस्ट है, और सुनो मीडिया में मैं बोल रहा हूँ पावनी पांडे जिसने लैला में लैला गाया है मेरे साथ एक गाना रिलीज कर रही है, इट्स अ सरप्राइज पावनी पांडे, एक है सतलानी कमिंग टू यू सून एवरीबॉडी, रॉक एंड रोल, ओके बैंग बैंग। बहुत मुबारक मिलो, बहुत अच्छा खेले आप और वाकई में आप मास्टर माइंड। थैंक यू। कितनी खुशी भी शिल्पा को देखते हुए देखी। यार मेरे को बहुत खुशी, मेरी फेवरेट प्लेयर शिल्पा जी रही हैं, तो जब मैंने हमेशा से बोला है कि अगर मैं किसी को देखता हूँ जीतते हुए तो शिल्पा शिंदे, और जब आपकी फेवरेट प्लेयर जीतती है तो आपको खुशी होती है क्योंकि आपको आप राइट कहलाते हो कि अरे तुमने सही बोला था, इट्स वेरी नाइस टू सी हर विनिंग। ओके हमेशा हमने देखा मॉल की बात करें या वैसे बात करें ना, जब हम से इंटरेक्ट करते रहे इस शो से पहले आपके बर्थडे पर मुलाकात है, और अब आप अपने आप में करीब भी होंगे बिहाइंड द कैमरा नाउ इन फ्रंट द कैमरा, अभी तक मैंने देखी नहीं फैन फॉलोइंग, दो घंटे में मुझे बाहर आए हुए तो मैं बाहर देखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इतनी फैन फॉलोइंग है, बट हाँ वो मॉल में जो प्यार देखा मैंने, मतलब लोगों के खून बह रहे हैं, वो बोल रहे हैं टच करो, मतलब ऐसी फीलिंग्स देखी नहीं थी मैंने, तो बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है ये। आई होप कि मैंने जो शो में किया होगा वो इतना सच्चाई है वर्दी होगा कि लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मेरे हिसाब से वो टॉप 4 में हमेशा से ही थी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, उनकी ओपिनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई एम वेरी ग्लैड दैट वो टॉप 3 में थी और टॉप 2 पर थे। क्या सीखा आपने? पेशेंस बहुत आ गया, मैं सब्र बहुत, इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको पाया जाता था कि आप रिएक्ट करें, हाँ वो तो एक आ ही गया अंदर, वो तो आई एम टेलिंग यू, वो तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये पेशेंस लेवल स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा भी ये जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो आप वहाँ से निकल सकते हो, सिंपल अपने दिमाग और दिल को एक साथ लाओ एक लाइन में, अपना फैसला आ जाएगा। बात चल रही है, अब कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग आएगा तो विल डेफिनेटली वर्क। हाँ एग्जैक्टली आई एग्री विद हर टेक यार, मैं इंडिविजुअली बहुत अच्छा खेला हूँ जैसे आपने मुझसे बोला है, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, तो अगर उसके बूते पे मैं पहुँचता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और वो चाहते ही होंगी मैं जीतूँ क्योंकि मतलब जिसको आप प्यार करते हो पसंद करते हो वो चाहते हो वो इंसान जीते, तो मुझे नहीं लगता उनका कोई हाथ होगा मुझे यहाँ तक या जिताने में या नहीं करने में, मैंने अपने मेहनत से और बलबूते से जितना कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। कुछ आइडिया नहीं अभी, कुछ डिस्कशन नहीं है, जब होगा तो डेफिनेटली विल अनाउंस। पहले 5 हफ्ते वेस्ट कर दिए मैंने, पहले 5 हफ्ते वेस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे गेम समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया गेम क्या है, जब उसके बाद समझ में आया तब मैं उस गेम को खेल पाया, इन्जॉय कर पाया और लोगों की हेल्प कर पाया, लोगों ने मेरी हेल्प करी। बिकॉज आई कैन अफोर्ड, आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस टू रन, मैं बहुत सारी और चीज़ें भी करता हूँ, थिएटर वगैरह प्लेस वगैरह करता हूँ, आप आके देखें, बिल्कुल टिकट्स खरीदें उसके देखें, अगर कोई छोटी मोटी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली आई टेक। सिद्धार्थ फिल्म कर रहा है बहुत अच्छी, आप प्लीज़ उसकी फिल्म जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखिए अगर मुझे प्यार करते हो तो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा भाई बहुत ही गुड लुकिंग वर्जन है मेरा और बहुत अच्छा एक्टर है, सो सिद्धार्थ गुप्ता इज़ द नेम, आप उसकी फिल्म का वेट करें, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। Guys, well, I've got to stop talking. मोबाइल नीचे करो।
एक्चुअली मैं तो हमेशा से खुश रही हूँ क्योंकि जब भी मेरे साथ ज़्यादा होता है बिग बॉस में या अधिकार मिलते हैं या फिर कुछ भी होता है तो मेरे चेहरे पे अलग ही खुशी आ जाती है। तो अभी भी मतलब हम एंजॉय कर रहे हैं, हम सब जितने भी कंटेस्टेंट हैं हम साथ में बहुत इतने दिन के बाद मिले हैं, तो साथ में रहना और साथ में मस्ती करना मायने रखता है मेरे लिए, तो हम लोग खुश हैं इसी वजह से। और रहा सवाल जो फिनाले का है, तो सलमान साहब हैं उनको देखकर तो वैसे ही चेहरे पर खुशी आ जाती है, तो और अपने आप को देखकर भी आने लगी। अच्छा, जो गिले शिकवे थे खत्म हो चुके हैं अभी मेरे टाइम? देखिए, गिले शिकवे मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे जो लोग पसंद नहीं आते तो वो मैं सामने रही हूँ कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है। हाँ, हम किसी से दुआ सलाम कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मायने रखते हैं ये लोग हैं मेरे लिए, मेरे अपने हैं, लेकिन जिनसे मेरा नहीं था, बॉन्ड नहीं था, वो शायद आगे भी मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। अगर नाम लेना चाहेंगी अर्शी आपकी, किससे आप आगे बॉन्ड नहीं रखना चाहती? नहीं, क्योंकि मैं उनको, वो हमारा एक फेवरेट डायलॉग है, फुटेज मैं नहीं देता। या इन फैक्ट इट्स वेरी फनी बिकॉज अर्शी इज़ राइट हियर। आई थिंक अर्शी को ही मैंने बोला था बिग बॉस में कि मेरा जो रिश्ता है शिल्पा से वो डिस्टेंट रहा है, बट आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड हर एंड आई लव्ड हर अ लॉट। तो आई थिंक कि जो लास्ट वीक आई वॉज अगेंस्ट हर, जो मैंने उनका उनको बोला कि आप फेक हो या आप फेक करती हो विकास के साथ ड्रामा, तो आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज जब मैं निकली तब यू नो आई काम डाउन और सारी मेमरीज वापस आ गई, हु वॉज देयर फॉर मी थ्रू आउट द हाउस। मैंने ऑफकोर्स थोड़े एपिसोड्स देखे, थोड़े शॉर्ट्स देखे, वूड शॉर्ट्स एक्सेट्रा, तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगी। यू नो यूजली बाहर आके आपको और देखने को मिलता है, अंदर आपकी अगर कोई बिचिंग करता है पीठ पीछे आपको इतना पता नहीं चलता, चीज़ मुझे नहीं पता चला। तो आई वॉज वेरी अपोलोजेटिक टूवर्ड्स हर, स्टिल आई एम, एंड आई रियली रियली होप शी विन्स द शो। बॉन्ड तो देखो सबसे रहेगा, बट देन कुछ लोगों से डेफिनेटली मिलूंगा, जैसे अर्शी, जनाब का सपना, हिना, प्रियांक, उन सबसे मिलूंगा, सभ्य साथी मैजरी, और बाकी सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे जो शो में हुआ वो शो में ही है, अदरवाइज इट्स ऑल कूल। वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे पता था कि मैं निकलने वाला हूँ, सो आई थिंक मे बी नर्वसनेस में मैंने वो 100 ज़्यादा किया। बांडा तो फूट गया नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर चीटिंग करनी होती वही बात मैंने पहले भी कही थी कि मुझे विकास के वोट पता थे, वो अच्छे से चीटिंग करता ना, 450 लिखता हूँ, बट बाय चांस हो गया। उसकी वजह ये थी, मैं बताती हूँ, क्योंकि उसी दिन मैं घर में गई थी, क्योंकि उन्होंने वो जो बॉक्सेस थे वो उन्होंने 2 दिन तक नहीं हटाए बिग बॉस ने, और उन्होंने फिर से हम लोग को मजबूर कर दिया था कि हम उसे काउंट करें, क्योंकि वैसे क्या होता था जो भी टास्क के लिए सामान आता था वो जल्द से जल्द स्टोर रूम में रख दिया जाता था, लेकिन सिर्फ उसी वक्त ऐसा हुआ था कि 2 दिन तक वो बॉक्सेस रखे गए थे और हमें मजबूरन करना था। अच्छा, देखा जाए तो बाहर देखिए, मैं बिल्कुल दिल से चाहती हूँ कि शिल्पा भी मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि उनको मैंने माँ का दर्जा दिया है, विकास को मैंने दोस्ती का दर्जा दिया है, तो दोनों ही मेरे लिए मायने रखते हैं, चाहे विकास जीते चाहे शिल्पा जीते, फायदा मेरा ही होने वाला है। एक नाम अगर आप देना चाहेंगे? विकास बिल्कुल मेरे दिल के करीब है ज़्यादा, और शिल्पा भी। मेरे फेवरेट्स अकॉर्डिंग टू द गेम शिल्पा और विकास है, पर अगर मैं अपने जो मेरा और ख़ास रहा है और फ्रेंडली रहा है मेरे से बिग बॉस हाउस में, तो वो विकास, तो बायस्ड अगर होकर मैं बोलूँगी थोड़ा तो विकास, वरना दोनों इक्वली डिजर्व करते हैं। विकास ने भी बहुत अच्छा खेला है शिल्पा जी ने, बट मुझे पर्सनली जो लगता है शिल्पा जी को ज़्यादा चांसेस लगते हैं, मुझे ये पर्सनल ज़्यादा सोचता है।
नहीं मैंने कुछ नहीं देखा शो के अंदर, क्योंकि क्या होता है जब इंसान साथ में रहता है तो उसकी कमी महसूस नहीं होती, जब आप बाहर निकलते हैं तो उसकी कमी ज़्यादा महसूस होती है। तो मैंने शो को बिल्कुल नहीं देखा कि उन्होंने मेरी क्या बुराई की है क्या अच्छाई की है। रिश्ता बना लिया तो बना लिया, उसको अच्छे से निभाओ। तो वो सोच के मैं अंदर आई थी, और जितने मेरे रिश्ते थे चाहे विकास के साथ तो मेरा अच्छा ही था, शिल्पा के साथ मुझे अपना रिश्ता ज़रूर सुधारना था। तो मैंने उनको अपना कड़ा दिया और हम दोनों का जो बॉन्डिंग था वो कुछ बिल्कुल बिल्कुल। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अभी का मैं वाक्य बताती हूँ आपको कि परसों कुछ परफॉर्मेंस था उनका, तो उनके हाथ में मेरा कड़ा डला हुआ है, तो उनको बहुत बोला गया कि कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स जो थे कि प्लीज़ उतारिए प्लीज़ उतारिए, लेकिन उन्होंने नहीं उतारा। फिनाले में भी उन्होंने पहन कर रखा है, तो ये वाक्य में मायने रखता है और आगे भी ज़रूर चलेगा। ओके अर्शी, आपसे अभी आपसे पूछेंगे कि विनर कौन होगा, आपने विकास का और शिल्पा का नाम दिया, आपने हिना को तो रेस में निशान दिया। जी ऐसा है कि हिना खान के हाथ से मैंने आठवें हफ्ते तक पूरी ट्रॉफी छीन ली थी। वो वाकई में वो अच्छी है, अच्छी अदाकारा है, लेकिन वो इसको शो को जीतने के लिए डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं अपने हिसाब से देखिए एक खेल होता है और अच्छे तरीके से खेला जाता है जो विकास और शिल्पा ने खेला, और हिना ने थोड़ा सा मतलबी पने से खेला है, तो वो सबको दिखता था। और वो वहाँ पर इतने कैमराज रहते हैं कि आप कितना भी अपनी कलाकारी दिखा दें वो कैमरे पे आ जाती कहीं ना कहीं, चाहे वो रोना हो चाहे वो हंसना हो। जैसे मुझे हमेशा दिखता था कि वो सलमान के सामने अच्छा नहीं लगा वीकेंड के बाहर पे, सो व्हाट, जैसे मुझसे क्यों बुरा लगेगा। जैसे वीकेंड के बाद पे जैसे सलमान कुछ उनसे सवाल पूछते थे तो वो बेवजह हंसती थी, मतलब वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। हंसो रो लेकिन सच्चाई के साथ करो, तो वो ऑडियंस को पसंद आता है और घर वालों को भी पसंद आता है। तो इसलिए मुझसे जैसे लड़ना, उनके गलत तरीके के अल्फाज बोलना, मेरे कपड़ों पे कमेंट करना और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से ऑडियंस को भी वो चीज़ नहीं पसंद आई होगी और हमको भी नहीं आई, तो वो डिजर्व नहीं। कुछ थैंक यू आई लव यू। तो उसने ऑब्वियसली क्लियर कर दिया है कि दिव्या और उसका ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका था, और क्लियर करने दिव्या बिग बॉस के घर में क्यों आए वो उसको भी नहीं पता, वो ऑब्वियसली उसने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। तो मेरा और प्रियंका बॉन्ड वैसा ही है, हम लोग अभी भी दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है और क्या क्या बातें बोलता है, या हम कोई डिस्टेंस नहीं मेंटेन करने वाले या दुश्मन नहीं बनने वाले। इट जस्ट थोड़ी चीज़ें उसने बोली थी जो उसने क्लियर की बाहर आके, कि मैंने ऐसा बाय मिस्टेक बोला या मैं सोच नहीं रहा था व्हाटएवर, और मैंने भी जो बाहर आके बोला कि तूने ऐसा क्यों बोला, वो सब क्लियर हो गया। तो आई थिंक वी स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी कंटिन्यू टू डू। That just came from me watching the episodes. How difficult is that? तो मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी घर में, पर जो लोग अगर दोस्त बोल के पीछे से वार करते हैं तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है when somebody calls you their friend and then bitches about you. तो अगर वो मेरी दुश्मन होती शो में, या अगर मेरी एनिमी होती या मुझसे नफरत करती होती, तो आई बी कम्प्लीटली फाइन विथ हर टॉकिंग क्रैप अबाउट मी, टॉकिंग बुलशिट अबाउट मी। पर उसने दोस्त बन के भी ये चीज़ की है, तो इसीलिए आई वाज लाइक मैं जो सोचती थी वो ये बिल्कुल नहीं है। और फिर मैंने दूसरे भी शॉज सीखे जहाँ वो सबकी बिचिंग करती है, नॉट ओनली अबाउट माई सेल्फ। सो आई थिंक ओवरऑल आई डोंट जस्ट नॉट लाइक हर पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ मी, बट आई थिंक शी स्पोकन a lot of bullshit about a lot of people jo nahi karna chahiye, at least not on national television. Agar scamming ki baat hui hai, agar aapne kaha hai, to aisa kuch hone wala nahi. Nahi wo sirf ek, see the problem is my sense of humor, wo bahut zyada problem ho jata hai mere liye, jo priyank ke sath bhi controversy hui thi, aur ab ye main obviously aisa kuch nahi karne wali hu. It was just a fan saying meri taraf se ek thappad maar dena, I was like okay bas, I'm not gonna genuinely do that. So देखो पहले तो मैं बता दूँ कि अगर मुझे उसके दोस्तों की जरूरत थी तो उन्हें भी मेरी दोस्ती की जरूरत थी। और यहाँ पे आपने सवाल किया, आप घर से बाहर आ गए, अब आपको हिना की दोस्ती की जरूरत नहीं जितनी घर के अंदर थी,
थॉट्स तो यार वही हैं जो थे दोस्त अच्छी है और देख ले एपिसोड देख ले वो अलग बात है अगर तुम कह रहे हो तो मुझे पता नहीं जब आपके आई थिंक अगर आर्ग्यूमेंट्स होंगे कुछ लड़ाई होगी तो फिर मैं भी वापस जवाब तो दूंगा सो आई थिंक उसी की वजह से थोड़ी बहस हो गई थोड़ी बात खराब हो गई अदरवाइज जब मैं निकला भी था तब सब ठीक हो गया अब वो तो प्रियांक की जाने वो प्रियांक है मैं लाऊंगा पता नहीं वो तो वही जाने बट हाँ लड़ाई वड़ाई होती रहती है अभी सब ठीक है। आशी जब आप फिर से वापस आएंगे।